एपिसोड नंबर 1728 आप देख रहे हैं राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक, वन ऑफ द बेस्ट बुटीक्स इन नागपुर सिटी, मेकिंग विमेन लुक ब्यूटिफुल। एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू लिव फिट पूजा शेल के, कांट फॉरगेट टू थैंक मैम्पी रिजिबल डाइपर्स फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो यू नो स्टाइलक्स किचन्स एंड यू नो वॉर्ड्रॉप्स। हमारी आज की जो मेहमान है वो एक यू नो एकेडेमिक से रिलेटेड महिला है, पिछले 40 प्लस वर्षों से नागपुर शहर से जुड़ी हुई है। जन्म इनका भले ही झारखंड में हुआ लेकिन 10 वर्ष की आयु से नागपुर शहर में रह रही हैं, रामदेव बाबा की ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ एडुकेशन को एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश रोज करती हैं। डॉक्टर दीप शिखा मेहरा मैम, मैम नमस्कार। नमस्कार, मैम स्वागत आपका राज की बात में। मैम 10 साल की उम्र में नागपुर आना हुआ, कैसे, मतलब क्या रीजन था कि नागपुर आए? मेरे फादर माइनिंग इंजीनियर थे तो WCL में थे, तो हमारा मोस्ट इफ यू नो कि माइनिंग एरिया वाज अराउंड बिहार, व्हाट इज नाउ पार्टली बिहार, दिस इज झारखंड, जी छत्तीसगढ़ जो अब है, पहले MP का हिस्सा हुआ करता था जी। MP तो हम इसी एरिया में रहे, मैं शायद 1-1.5 साल की थी जब हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए थे, तो फादर की ट्रांसफर हुई थी एंड उसके बाद से हमारा और हम पंजाब से हमेशा बाहर ही रहे जी। एंड वी लव्ड नागपुर एंड मेरे फादर की जो लास्ट पोस्टिंग हुई इट वाज दिस चॉइस, बिकॉज नॉर्मली कंपनी आपको चॉइस देती है एंड ही डिसाइडेड टू चूज नागपुर एंड दैट्स व्हाई वी सेटल्ड हियर। मैम जब पढ़ाई करने की बात आई तो आपने पढ़ाई के साथ अपनी ये जो दोस्ती है या किताबों के साथ जो आपकी ये दोस्ती है, ये कब आपको रियलाइज हुआ कि यही एक चीज है जो लाइफ यू नो जिंदगी में करनी है आपको? बहुत क्लीशे साउंड करेगा बट बचपन से, ओके, बिकॉज आई वॉज नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। तो मेरे लिए माई मदर यूज टू मेक मी सिट विद मैगजीन्स, यूज टू गिव मी मैगजीन्स एंड आई यूज टू गो थ्रू मैगजीन्स फॉर आवर्स टूगेदर एंड एवरीबडी यूज टू बी सरप्राइज, इतना छोटा सा बच्चा है और एक किताब लेके बैठा हुआ है और कर रहा है जी। और मेरा गुड प्ले टाइम यूज टू बी बींग अ टीचर, सो मैं अपनी किताबें हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती थी जी। तो आई गेस वहीं से कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन विद बुक्स, द एसोसिएशन विद रीडिंग, द एसोसिएशन विद नेचर केम आई थिंक देन। वो बोलते हैं, कहा जाता है कि बच्चे के दिमाग में जो चीजें बचपन में इम्प्रिंट हो जाती हैं, आई थिंक दे हैव एन इम्पैक्ट एंड दे कंटिन्यू। हाँ जी, तो अगर मैं आपकी कहानी जानना चाहूँ तो ये शुरू होती है जब आप 10 साल की उम्र में नागपुर आई, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई अब तक? उसके बाद मैं आई वॉज इन KV वायुसेना नगर, बिकॉज उस टाइम वही एक CBSE स्कूल था जो ट्रांसफरेबल जॉब जो होते थे उनके बच्चों के लिए एंड एक्सीलेंट स्कूल एंड फ्रॉम KV देन आई डिड माई टिल माई जूनियर कॉलेज आई वॉज इन KV देन SFS कॉलेज then my MA masters in economics then my MPhil in economics then I took a break for a certain period of time, I worked and then went to do my PhD and that is what my educational journey was. Nature ke saath main associate hona shuru hui when I was doing my PhD. Wildlife photography. Wildlife photography came at a later stage. I mean, there are lots of layers in this journey. So, बचपन से क्योंकि जंगल के आसपास रही थी इसीलिए नेचर की तरफ हमेशा ही there was always a connection with nature. जी. And my mother had a very important role to play there because she used to humanize nature for us, saying उनको भी दर्द होती है, उसको रात को मत हाथ लगाओ, they are sleeping.
जी एंड आई वुड ऑल्सो से वन ऑफ आई चौकीदार जी वॉज अ ट्राइबल देयर इन चिरमिरी. मैं छोटी सी थी तब उनको रोज रात को एक कहानी सुनाता था. दैट वॉज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. और उसकी सब कहानियों में कोई एक एनिमल या बर्ड होती थी एंड अगेन ही वुड ह्यूमनाइज देम. तो मेरा एसोसिएशन वहां से शुरू हुआ. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय पीएचडी आई गॉट इन टच विद माय एमए टीचर श्री डॉक्टर रुचा घाटे एंड शी बिकेम माय मेंटर. मेजर रोल प्लेड बाय हर इन ग्रूमिंग मी. तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट मेनली फॉरेस्ट इससे रिलेटेड हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च हुआ वो उनके साथ शुरू हुआ. तो व्हेन आई केम बैक इन टू टीचिंग तब मैंने ये एनवायरमेंट क्लब शुरू किया बिकॉज मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज ब्लेम्ड फॉर स्पीडिंग अप द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट. एब्सोल्युटली. सो जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करने वाले हैं अगर उन्हीं को अवेयर कर दिया जाए कि एनवायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है तो शायद वो कॉन्शियसनेस के साथ दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग. बिल्कुल. सो 2012 में वी स्टार्टेड विद दिस एनवायरमेंट क्लब एंड दैट वॉज द only environment club in this region at that time started by any technical institution. In fact, हम भी hesitant थे ये सोच के कि भाई technical institution में एक environment club का कोई role होगा कि हमको permission मिलेगी कि नहीं. But the college was absolutely okay with it. So वहां से इसकी reef की journey शुरू हुई. रामदेव बाबा engineers for environment forum की शुरू हुई. जी. उसको मैंने फाउंड किया मेंटर किया टिल 2019. बट मेरा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इसलिए मेरे लिए दो रोल्स हैंडलिंग हो रहे थे. फैकल्टी. सो ये मेरी एकेडमिक नेचर से रिलेटेड जर्नी रही है सो फार. मैम ये जो एनवायरमेंटल यू नो बैलेंस की आप बात करती हैं और आप कोशिश कर रही हैं कि टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट यू नो हैंड टू हैंड जाए एक साथ जाए. मैम पर ये पॉसिबल है क्या? बिकॉज हम देख रहे हैं कि करीब मैम मैंने एक बच्चे के साथ इंटरव्यू किया इन माय शो जूनियर ऑफ द ईयर. जहां पर मैं बच्चों के साथ इंटरव्यू करता हूँ तो उस बच्चे को मैंने जब मैंने पूछा कि लोग पेड़ काट रहे हैं अपार्टमेंट बनाने के लिए तो उसने कहा कि वो जो काट रहे हैं पेड़ उनको भी पता रहना चाहिए कि उस अपार्टमेंट के अंदर में वो लोग रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. तो ये पेड़ काट के वो यू नो आज तो फायदा कर रहे हैं लेकिन कल का नुकसान कर रहे हैं. बट मैम ये एक बहुत बारीक और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यू नो स्थापित बात है. मतलब ये कॉमन सेंस इसको बोलते हैं. मैम क्या कमी लगती है हम आपको कि लोगों में कॉमन सेंस की कमी है? कॉमन सेंस या फिर ये सिर्फ मैम एक इसे ईर्ष्या बोलेंगे इसे सेल्फिशनेस बोलेंगे? मल्टीपल फैक्टर्स एक्चुअली. एक तो ये है कि आप देखिए ट्रेडिशनली हम इंडियंस जो थे हमारे सारे रिचुअल्स में नेचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. जी. मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बिना रीजन के रिचुअल्स करते हैं. हम किसी ने क्वेश्चन पूछा तो किसी के पास एल्डर के पास जवाब होता नहीं था. जी. इसीलिए वो शायद वो कनेक्शन टूटता गया. बट जो कनेक्शन अभी भी विलेजेस में आपको बहुत स्ट्रांगली नजर आएगा मगर वहां भी टूट रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं देयर मल्टीपल फैक्टर्स. आई मीन आई वुड से थ्रू माय पीएचडी आई फाउंड आउट कि बहुत कम विलेजेस में ट्रेडिशनल नॉलेज बच गई है सिंपली बिकॉज कॉलोनियल रूल के टाइम जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी उसमें उन्होंने ट्राइबल्स को निकाल ही दिया जंगल से बाहर जो उनकी इट वॉज देयर ट्रेडिशनल राइट. तो जो चीज से आपका कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा तो उसकी तरफ आपकी जो नॉलेज है वो भी डिप्लीट होती जाएगी. जी. तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस हु वर बेसिकली बाय सिविलाइजेशन वी आर कंजर्वेटिव्स वी कंजर्व थिंग्स वी वर डिसकनेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. तो मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रांग रीजन है कि वो डिस्कनेक्शन जो आ गया है. एंड अगर आपको जो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जब आपने मेरे को कहा अबाउट द गर्ल उसी में वो आंसर था कि अगर एक इतनी छोटी सी लड़की रियलाइज कर रही है सो द आइडिया इज दैट इन यंग माइंड्स में वो चीजों को डालना सो दैट कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर देर आर पीपल हु आर बिल्ट टू प्रोटेस्ट बिल्ट टू टेक अ स्टैंड बिल्ट एंड वेन दे बिकम डिसीजन मेकर्स at least as decision makers when they're taking a decision they keep this element also in mind. Jai. One of the reasons I also feel is ki development ke benefits aapko directly dikhte hain. Road banti hai aapko dikhta hai. Environment ke benefits aapko directly nahi dikhte hain. Na hi wo uski money value aapko samajh mein aati hai. Jai. Isiliye usko sacrifice karna becomes easy. But ma'am you've traveled the world. You have seen
यू नो द वर्ल्ड यू नो द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट वेरी क्लोजली. मैम व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और यू नो डेवलपमेंट ऑफ माइंड्स वी से दैट यू नो भले मैम जीरो का आविष्कार हमने किया और यू नो हम कल्चरली उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं बट मैम इन बातों को लेकर जहां पर एनवायरमेंट की बात आती है मैम पेरिस समिट हुआ था वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी यू नो बातें हुई थी लेकिन यूरोपियन कंट्रीज उन बातों पर खड़ी उतर रही है वो कोशिश कर रहे हैं ताकत लगा रहे हैं खड़ा रहने के कि मैम वहां पर भी असफलता है. आपने देखा है उस तरफ की दुनिया कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए मैं शायद कुछ चीज ऐसी बोलूं जो अंडर डेवलप्ड नेशंस बहुत ब्लेम कर रहे हैं डेवलप्ड नेशंस को फॉर इयर्स कि आपने अपना डेवलपमेंट किया आपने एमिशन स्टैंडर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया मगर अब आप हमको हाउ शुड आई से नागपुरी भाषा ज्ञान दे रहे हैं कि भाई यू नो ये नागपुरी भाषा जी कि आप अपना डेवलपमेंट मत करिए आप अपना सब चीज बचा के रखिए डेवलपमेंट हम करेंगे. तो बेसिकली जो बेंचमार्क्स ये सारे समिट्स में ये सारे एग्रीमेंट्स में सेटअप किए जाते हैं उसमें डेवलप्ड वर्ल्ड इज नॉट डेवलप्ड वर्ल्ड को ये भी कहा गया था कि यू हैव टू गिव टू द डेवलपिंग नेशंस यू हैव टू गिव फंड्स टू द डेवलपिंग नेशंस फॉर देम टू कंजर्व टू बी एबल टू मेंटेन सर्टन एमिशन स्टैंडर्ड वो नहीं हुआ है. सो हम डेवलप्ड नेशन को तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने सारी चीजें की हैं और हमने नहीं किया है. बहुत बेंचमार्क्स उन्होंने बिल्कुल नहीं फॉलो किए हैं. इस बार जाके COP26 में मोदी जी ने थोड़ा बहुत इनिशिएट किया है वेर ही हैज सेड कि वी आर गोइंग टू बी गोइंग टूवर्ड सोलर मेजरली टूवर्ड सोलर वेर ही हैज पुट इन सर्टन प्रोमिसेज एंड टारगेट्स टू से 2030 तक हम ये करेंगे एमिशन स्टैंडर्ड्स अपने जीरो पे ले आएंगे ईवी की तरफ जाएंगे जो दिख रहा है टू सम एक्सटेंट हो रहा है. जी सो आई डोंट थिंक डेवलपिंग नेशंस आर गिल्टी डेवलप्ड नेशंस आर इक्वली गिल्टी. मैम जब हम एजुकेशन की भी बात करते हैं तो भारत विश्वगुरु के स्वरूप दुनिया में अपने आप को यू नो स्थापित करना चाहता है. एक तरफ हम अगर अपनी एजुकेशन सिस्टम को देखें तो मैम 1930 के बाद हम बहुत कम देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज में रिफॉर्म्स आए या यू नो कुछ बहुत ज्यादा यू नो चेंज ओवर हुआ. लेकिन हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट सिर्फ एजुकेशनल फ्रेटर्निटी में नहीं लेकिन स्टूडेंट्स में भी है. आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं भी पॉजिटिवली देखती हूँ एनईपी को बिकॉज एनईपी में जो अब रेकमेंडेशंस दी जा रही हैं वो मैंने 8 साल प्रैक्टिस की है विच इज जब रीफ को फाउंड किया था शुरू इस्टेब्लिश किया था 2012 में और रीफ के थ्रू जो एनईपी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के बच्चों की स्टूडेंट्स की बात कर रही है जी. वो रीफ के थ्रू उन 8 ईयर्स में आई सीन दैट योर एनवायरमेंट एजुकेशन इन अ क्लासरूम बट एनवायरमेंट एजुकेशन आउटसाइड थ्रू अ क्लब वो जो द आउटकम दैट आई हैव सीन. सो आई एम डेफिनेटली इन फेवर ऑफ द स्पिरिट विद विच एनईपी हैज कम इन विच इज वी नीड टू फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इट इज नॉट जस्ट अबाउट subjects and courses. It is about the personality of the student. It is about giving him opportunities where he can do problem solving, where he can think or wherever he is putting an effort. For example, sports को पहले sports के case में क्या होता था कि बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको incentive दे दिए जाते थे. अब technical education में ये कहा जा रहा है कि अब उसको credits दो. So he's going to earn credit for that. जी. So many students would not get opportunities simply because parents would say पढ़ाई की तरफ ध्यान दो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है. जी. So एनईपी में वो चीजें भी उनके लिए खुल के आ रही हैं विच आई फील इज दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग इन. बट मैम जैसे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी वहीं पर जो लोगों के लिए बहुत प्राइड के लिए बात होती है जब वो ऑक्सफोर्ड जाते हैं हमारे युवा भी मैम बाहर जाने में ज्यादा एक्साइटेड है ना कि अपने देश में पढ़कर आगे बढ़ने में. तो मैम ज्ञान अब सिर्फ किताबों से रिलेटेड रहा है या फिर नाउ नॉलेज इज ऑल अबाउट गोइंग आउटसाइड टेकिंग अ स्टैम्प ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड देन प्रूविंग अ पॉइंट दैट यू नो आई एम मोर एजुकेटेड देन यू.
I would agree with the second part that you have said. Mm-hmm. It is more about getting the stamp. It is also about foreign universities making it easier for Indian students to come over. जो पहले इतना easy नहीं हुआ करता था. It has become easier. Loans have become easier. So definitely है. मैं again एक बहुत controversial सा term use करूँगी जिसमें शायद लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो, which is a colonial hangover. हम अपने कलोनियल हैंगओवर पे अभी भी हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि एनीथिंग विच इज ऑफर्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड इज मोर सुपीरियर देन व्हाट वी ट्रेडिशनली हैड. एंड आई वुड से दैट द करंट गवर्नमेंट हैज इनफैक्ट इनिशिएटेड दिस फैक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एज पार्ट ऑफ द करिकुलम. बिकॉज यू सी, अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप यू आर अ कॉन्फिडेंट सिटीजन, यू विल बी अ कॉन्फिडेंट कॉन्ट्रीब्यूटर. अगर आप इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जिएंगे कि भाई वो सुपीरियर है, हम तो, हमारा तो दिमाग है ही नहीं, तो जो वो बोलेंगे वो ही चलेगा, तो फिर हाउ डू वी ग्रो एज अ नेशन. सो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का जो कोर्स है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि डू अंडरस्टैंड योर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड हाउ साइंटिफिक एंड हाउ सुपीरियर इट वॉज. उसको सुपरस्टिशन के नाम पे गोली मार दी गई थी, राइट? तो वो दैट इज वॉट इज बींग अंडर नाउ. सो मे बी दिस रिवर्स विल हैपन वंस वी स्टार्ट बिकमिंग प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर मोर देन गुड इनफ. मैम सिर्फ चर्चा के लिए, क्योंकि आप बैठी हैं आज समक्ष, तो ये बात पे मैं जरूर आपका पर्सपेक्टिव चाहूंगा कि मैम कितने दुर्भाग्य की बात है, को मैं दुर्भाग्य बोलूं या सौभाग्य, लेकिन एक भारत में अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको करोड़ों रुपए लग जाते हैं बनने के लिए, टू बी अ डॉक्टर, और उसके बाद पर आपको कोई मिलता नहीं है, आपको सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, कोई अलग से बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. जबकि अगर आप उज्बेकिस्तान जैसे देश से अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैम आज आप 15-20 लाख रुपए में डॉक्टर बन सकते हैं, और वहां की डिग्री आप यहां इस्तेमाल करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो यहां पर मैम ये थोड़ा सा ये मेल मिलाप नहीं हो पा रहा. आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आई अग्री विद यू कि ये चीज डेफिनेटली है, और ये चीज आज नहीं डेवलप हुई है, इट हैज बीन देयर. हमने उस सिस्टम में आने दिया. कहीं ना कहीं आई फील दैट these aspects also definitely have to be taken care of. Because हमको अगर education को approachable बनाना है जी, तो these aspects definitely have to be looked into. और technical education या professional education from that point of view हमारी कंट्री में अभी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट आई फील कि क्वालिटी स्टिल वेरी गुड है. दैट्स व्हाई इंडियन डॉक्टर्स डू वेरी वेल, हू हैव बीन एजुकेटेड इन इंडिया डू एक्सट्रीमली वेल इन अमेरिका. सो जो उज्बेकिस्तान में या यूक्रेन में पढ़े हुए हैं, बांग्लादेश जी, सो उनकी क्वालिटी क्या है उसके ऊपर मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगी जी. बट हमारे, आप वर्धा की बात कर लें या नागपुर के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, वहां से जो लोग निकले हुए हैं उनकी जो क्वालिटी है, आप, मुझे नहीं लगता है कि दैट कंपैरिजन वुड बी फेयर. ऑफ कोर्स व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली, बट दैट्स अ कमर्शियल कंपैरिजन. यस यस, आई एम लुकिंग एट द क्वालिटी पार्ट, राइट, पीपल कमिंग आउट एंड देन प्रूविंग, यू नो, गोइंग आउट वर्ल्ड एंड प्रूविंग. मैम इस शो के माध्यम से हम ये भी कोशिश करते हैं कि महिलाओं के उस एस्पेक्ट को भी हम उस पर चर्चा करें जिसको लेकर वो बड़ी प्रतिबद्ध हो जाती हैं, विवाह, जो आपने नहीं की. मैम पूछने में बड़ा डर रहा हूं, लेकिन नहीं पूछूंगा तो मन बड़ा सा विचलित रहेगा. मैम विवाह क्यों नहीं किया? मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला गया था. That most of the time is the reason why people leave things. And education was important. I wanted to study, wanted to do my PhD. So I guess that was the reason I was given the freedom to say, do what you wish to do. If this happens in the process, very good. If it doesn't, then let that not hold you back. And that has been the case with all the girls
इन अ फैमिली, ऑल द बॉयज इन द फैमिली, कोई कंपल्शन किसी के साथ नहीं है. सो द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. आई गॉट अ नीस हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी. आई हैव अ नीस हु इज डायरेक्टर एचआर इन अ सेवन स्टार. आई हैव गॉट अ नेफ्यू हु इज विद माइक्रोसॉफ्ट प्रीटी हाई. सो सबके केस में वन इज अ शिपिंग. सो सबके केस में ऐसा है कि आपको फ्रीडम दी जा रही है, आप चूज कीजिए. इफ यू फील दैट दिस इज एसेंशियल फॉर यू, मैम ये जो इसको मैं रूल नहीं, इसको मैं पॉलिसी बोलूंगा, और पॉलिसी ऑफ फ्रीडम, ये क्या लड़कियों को दे देनी चाहिए? बिकॉज मैम जैसे ही लड़की 18 साल पार करती है उसके वोटिंग राइट्स तो उसको मिल जाते हैं, बट ओनली टू चूज अ पॉलिटिकल लीडर, नॉट यू नो टू चूज दैट द पर्सन यू नो द गर्ल यू नो डजंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और डजंट वांट टू मैरी, wants to focus you know towards the career or would like to have a great life. Yeah. मैम ये हम सोसाइटी में इसकी ये समझा कैसे पाएंगे या इसको आसानी से समझना कैसे चाहिए? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है. इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक इट वुड बी केस बेसिस. आई मीन पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है, बट पेरेंट्स से भी ज्यादा सोसाइटी की इंटरफेरेंस जो है वो plays a very important role which creates pressure on the parents and as a result the parents buckle under pressure. जी. And इसीलिए वो pressure फिर वो बच्चे पे आता है आगे. जी. अगर आप girl child की education और इन सब चीजों की बात कर रहे हो, एक तरफ आप उसको educate करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप उसकी freedom ये decision making की ले लोगे. जी. So if education is teaching her decision making, then what is the point of her education if she cannot take that decision? So I do not think parents, and I think things are changing. Things are changing where girls definitely are doing extremely well because potential उनमें बहुत है. And if you see all academic results that come in, girls are doing pretty well for themselves. So अब parents को कहीं ना कहीं realize हो रहा है कि भाई इतना पढ़ गई है, इतना merit list में बन गई है, तो she let her choose what she wants to do and let her take a future decision as well. Ma'am, very quickly मैं चाहूँगा कि आप you know you just throw your light on you know a topic like divorce. What's your thought about it? I think the increasing number of divorces, that's the question. Multiple factors, I think, because ho kya raha hai ab thoda sa shayad controversial fir ho jayega. Are chalega mai chalega. Mujhe aisa lag raha hai ki women have changed their role. They've stepped out of the house, but men maybe have not changed their role, which is they're still expecting ki ladki agar sara din kaam kar rahi hai equivalent to what he is doing at workplace, she will still come back and cook. So I think differences of opinion wahi se aa rahe hain, because aap keh rahe hain education dijiye usko, empower kariye, to wo apni empowerment ko use kar rahi hai na. तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आप कहोगे कि लड़की की एजुकेशन के कारण उसका डिवोर्स हो रहा है, उसकी अवेयरनेस के कारण मे बी कहीं ना कहीं लोगों की अब वो पेशेंस लेवल डाउन हो रही है. कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं भाई, आई हैव पुट इन इक्वल नंबर ऑफ आवर्स, सो व्हाई शुड आई बी सिटिंग इन द किचन एंड कुकिंग फॉर एवरीवन, आई एम टायर्ड एज वेल. जी. सो मुझे लग रहा है मेट्रो सिटीज में ये जो रोल है वो थोड़ा थोड़ा रिवर्स हो रहा है, विद द मेन आर no longer shying away from entering the kitchen. But second level cities mein jahan pe women are still working, wahan pe unka traditional role abhi bhi expect kiya ja raha hai. And child adoption, good idea. A very good idea. I think it should be done. I have I've known people, couple, young couple who have decided not to have children but to adopt, and very much capable of having their own children but have decided to adopt. So I think child adoption is a very very good idea. Ma'am, I would not force you to answer this question with giving an explanation, but then do you have a political view? Well, I do have a political view. My political view is centered around anybody who works for this nation. That is how simple it is. As a person who's been in academics, I normally do not share my political view, neither do I allow that to come in my
assessments or anything else. But otherwise, anybody, any party who is ready to work for the growth of this nation, is ready to get all the evils out of this nation, I am for that particular. And currently, I feel Mr. Modi is doing a brilliant job. Ma'am, humanities ki jo subject hai, uski agar buniyad agar aapko samjhani pade kam shabdon mein, to kaise samjhayenge? Concentration on human values. That is what humanities basically concentrates on. To say to be a, so hamare jitne approaches hote hain baat karne ke, wo mostly from considering somebody as a human being first. Building human values like trust, helping out each other, how else, connection with nature. Those are all elements that I feel is what you can briefly define humanity और इंसानियत. हाँ जी. कि एक ही बात हम समझते हैं कि when you help somebody, somebody helps you back. So what goes around comes around policy. Yes. So ma'am, क्या सिर्फ ये एक ही बुनियाद लोगों को समझनी चाहिए या फिर और भी aspects हैं उसके, जो you know तीन चार और ऐसे basic बुनियादी aspects हैं जो लोगों को समझने चाहिए? आप इस एक्सपेक्टेशन से करेंगे कि मैं करूंगा तो मुझे वापस मिलेगा, तो देन यू हैव टू गो टू गीता, कृष्ण जी का लेसन जी, कि बस आप करते जाइए, फल की चिंता न करें. नहीं करिए, बिल्कुल, इट विल कम बैक. एंड आई कैन टेल यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस दैट इट डज, इट डज, यस. इफ यू डू इट विदाउट एक्सपेक्टेशन, जो बहुत मुश्किल होता है, हम सबके लिए मुश्किल होता है. पेरेंट्स भी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया, यू हैव टू गिव बैक. But many a times you do not keep that in mind, and you do realize that it comes as a surprise back to you from some other quarter. And I think that element also should be very strongly kept in your mind, to say har cheez ek calculation ke hisab se nahi logon ke liye karni chahiye. I like this. Ma'am, mere do aakhri sawal. Haan ji. Ek ye ki jis tarah ma'am Geeta mein वो महाभारत का वो एक एपिसोड जिसने महाभारत को बनाया, मतलब वो काया पलट दी जब अर्जुन रुक गए ये सोचकर कि ये तो मेरे भाई हैं, मैं इन पर वार कैसे करूं, और कृष्ण ने एक ऐसी यू नो एक ऐसी बात कही जिसे समझकर जी जी असली धर्म क्या है. मैं मगर क्योंकि आप युवाओं के बीच रहते हैं, युवाओं को पढ़ाती हैं, युवाओं को राह दिखाती हैं, मैम अगर आज की कृष्ण आप रहती हैं, आप अपने अर्जुनों को क्या सिखाते? डिफिकल्ट क्वेश्चन. मैं उनको यही कहती कि लुक एट द लार्जर बेनिफिट. लार्जर बेनिफिट इज योर धर्म. अगर आपको अपना पर्सनल उसमें कहीं नुकसान थोड़ा बहुत हो रहा है, सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट एंड लुक एट द लार्जर बेनिफिट. सो इफ वर्किंग, मैं बहुत छोटा सा मतलब एग्जाम्पल यहां दे रही हूं कि अगर आपको आपके संडेज every other Sunday you have to go out and work for the environment, for example, it's for the larger benefit. जी. Why should you think about your कि मेरा एक संडे जा रहा है, कोई बात नहीं अगर वो संडे चला जाता है. सो आई थिंक वही स्पिरिट के साथ रीफ ने 8 साल मेरे मतलब मेंटरशिप में काम किया, एंड इट विदाउट विद दिस एक्सपेक्टेशन की वी हैव टू बिल्ड अ ब्रांड आउट ऑफ इट और वट एवर इट इज, वी कंटिन्यू टू वर्क, कंटिन्यू टू गिव, एंड इवेंचुअली इट बिल्ड अप इन द सेंस कि लोगों को ऑटोमेटिकली लगता था कि रीफ के बच्चों को बुला लो, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, इन्वायरमेंट को अच्छे से समझते हैं, इनको इन एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व करें. सो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि यू शुड बी फोकस्ड ऑन द लार्जर बेनिफिट एंड गिव अप एस्पेक्ट्स विच मे बी यू मे सीम लाइक अ लॉस टू यू बट आई थिंक दैट कैन बी गिवन अप इज व्हाट आई फील. मैम अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया डॉक्टर दीपशिका मेहरा, मैम उसके नीचे वो कौन सा ऐसा कोट, कौन सा ऐसी लाइन, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? देयर इज नो एज फॉर लर्निंग, दैट इज व्हाट आई हैव
नॉट सीन इन सिर्फ शब्दों में नहीं देखा है मैंने मैंने किया है मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एट द एज ऑफ 47 सीखी तो और सीखी मैंने अपने स्टूडेंट से उसने मुझे DSLR का मैनुअल मोड सिखाना शुरू किया था मेरे को फोटोग्राफी का बैकग्राउंड मेरे फादर की तरफ से मिला था इज माइनिंग इंजीनियर बट इज वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी वो इतना नहीं था सो आई फील दैट देयर इज नो एज फॉर लर्निंग एंड यू शुड रिमेन अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ दैट्स हाउ यू विल गो मैम आज मैंने मैम 1700 से ज्यादा एपिसोड में कर चुका हूँ नंबर आपको पता है 1728वां एपिसोड है ये मैम इन सब एपिसोड्स में कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जो मेरे दिल के करीब हैं मैम उन टॉप 3 एपिसोड्स में मैम आज एक एपिसोड शामिल हो गया आपने अपना वक्त दिया आपने हमसे मैम अमेजिंग थॉट्स आई मीन आई लव दिस इंटरव्यू एंड आई वॉच इट अगेन आई एम श्योर अबाउट दिस एंड आई यू नो 1000 ऑफ पीपल विल वॉच दिस एपिसोड एंड लव योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ अबाउट ह्यूमैनिटीज एंड अबाउट एनवायरमेंट आपने अपना वक्त दिया आपने हमसे बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच मैम ये जो शेर है ना ये मेरा फेवरेट शेर है और मैं अक्सर यू नो यहाँ पर ये शेर कहता हूँ कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है वीराने को गुलिस्तान बना देता है मैं अपनी नहीं डॉक्टर दीपशिखा मेहरा की कहता हूँ अपने काम के प्रति समर्पण का भाव इंसान को भगवान बना देता है बहुत कम हमें ये बात जानने को समझने को सीखने को मिलती है कि वाकई में सीखने की कोई उम्र नहीं होती लेकिन हम अक्सर यू नो इस एज यू नो नॉट जस्ट अ नंबर बट यू नो अ बिग बर्डन को लेकर चलते हैं जबकि हम वो जिंदगी जी सकते हैं जिसकी कल्पना ईश्वर ने की होगी जब उसने हमने बनाया होगा क्योंकि जब बना के हमें उसने भेजा तो इस भेजे में कुछ तो भेजा होगा ना तो आप उसका इस्तेमाल करें और कृपया अपनी इस पृथ्वी को बचाने की थोड़ी सी कोशिश करें अपने हर रविवार को कम से कम एक पेड़ ही लगा लें हो सकता है कि आज जो आप बीज लगाएंगे वो कल पेड़ बनेगा उसके बाद वृक्ष और फिर इस डिसबैलेंस को बैलेंस करने में मदद करेगा आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक जिंदा रहें जय हिंद